शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम मीन लगन में ग्रहों की प्लेसमेंट्स के आधार पर बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कुंडली में कहां पड़े होने से हमें कैसा रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ढंग से हो जाए और आप समझ पाएँ कि किस प्लैनेट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में। लगन में पड़े हैं बृहस्पति देवता और लगन में पड़े हैं मंगल देवता। दर्शकों, मैं पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स में आपको याद करवाता आया हूँ, क्योंकि यहाँ डिग्रीज लिखना संभव नहीं हो पाता। तो आप सदैव ये याद रखिएगा कि किसी भी ग्रह के रिजल्ट्स का निर्धारण आप उस हिसाब से कीजिए कि सबसे पहले देखिए कि ग्रह कितने अंश का पड़ा है और वो आपको ज़िंदगी में कितने परसेंटेज अच्छे या कितने परसेंटेज बुरे रिजल्ट्स देने के काबिल है। मैं जानता हूँ कईयों को दिक्कत परेशानी होती है, गलत बोलते भी हैं हमारे बारे में, उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। तो ये निर्धारण सबसे पहले अवश्य कर लीजिएगा कि ग्रह कितने परसेंट रिजल्ट देने के काबिल बना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अगर अच्छा ग्रह ज़्यादा बली हो गया तो उसकी अच्छाई में 4 चांद लग जाते हैं, अगर बुरा ग्रह ज़्यादा डिग्री वाइज बलाबल में आ जाए तो उसकी बुराई करने का तत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ लगन में बृहस्पति देव पड़े हैं और मंगल देवता पड़े हैं पहले घर में। तीसरे घर में सूर्यदेव, बुद्ध देवता और नीच के केतु देवता पड़े हुए हैं। चौथे भाव में पड़े हैं शुक्र देवता और शनिदेव। सातवें भाव में पड़े हैं चंद्रमा देवता यानी मून। और नवम भाव में पड़े हुए हैं 8 नंबर राशि के स्कॉर्पियो राशि के राहु देवता यानी नीच के राहु देवता, जो आज भी गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देवता की, जो लग्न में बैठे होने से हंस नाम का पंच महापुरुष योग लेकर के बैठे हैं। इसका सदा एडवांटेज मिलता है। जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलती है, जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, जातक को कामकाज में लाभ मिलता है, जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी की तरह सामने आता है, क्योंकि लगन में बृहस्पति देव को दिशा बल मिलता है। बृहस्पति की दृष्टियाँ होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो लगन से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग उसे सारे एडवांटेज मिलते हैं। मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है, लवर मास में कामयाबी मिलती है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, और सबसे बड़ी बात, जातक धर्म को मानने वाला भी अवश्य होता है और जातक को अनसर्टेन गेन भी कहीं ना कहीं से अवश्य मिलते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे एडवांटेजेस जातक को अवश्य दिलाता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो सप्तम भाव के संबंधी भी एडवांटेज देता है, क्योंकि बृहस्पति इस लग्न कुंडली का सबसे योगकारक ग्रह है और उसकी प्लेसमेंट अच्छी होना उसकी योगकारकता में बढ़ोतरी करके 4 चांद अवश्य लगा देती है। तो यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो दाम्पत्य सुख के लिए एडवांटेज, डेली वेजेस के लिए एडवांटेज, और सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप में भी एडवांटेज ही मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम दृष्टि, जो नवम भाव पर डाली, तो जातक धर्म को मानने वाला होता है, जातक पिता की केयर करने वाला होता है, जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है, और जातक हायर टू हायर एजुकेशन में जाना और रिसर्च में जाना उसका एक पसंदीदा चीज़ मानी जाती है। वो उसको बहुत शौक़ होता है कि कामकाज करने के साथ साथ भी अपनी कोई ना कोई रिसर्च वो अवश्य करता रहे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को चौतरफा लाभ अवश्य मिलता है। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की, जो लगन में ही बैठे हैं दूसरे भाव और नवम भाव के मालिक होकर के। हम कुंडली देखते ही कहते हैं कि जातक बहुत भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के सर पे रखना सदैव चौतरफा लाभ देता है जातक को। पर्सनैलिटी में बोल्डनेस लाता है, पिता की केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं सारी अर्जित करता है मंगल की दशा अंतरदशा में। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना बना हो, लेकिन वो पूर्ण फलित तभी होगा जब उसकी दशा अंतरदशा आ जाएगी, वो उस वक्त पूर्ण रिजल्ट देने के काबिल होगा आपकी कुंडली में। तो मंगल की दशा अंतरदशा में चौथे भाव का लाभ मिलेगा।
मंगल की दशा अंतर दशा में जितनी मंगल ने सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजेस पार्टनरशिप में एडवांटेज दे करके मंगल चौतरफा लाभ देगा। मंगल की आठवीं दृष्टि जो आठवें घर पर पड़ी तो हार्डवर्क को ज़्यादा बढ़ा करके जातक अपनी मुश्किलें जीवन में आसान ज़रूर कर लेता है या मुश्किलों का हल अपनी मेहनत से ढूंढ ज़रूर लेता है और वो जातक के कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता होती है। दर्शकों बात करते हैं सूर्य देवता की जो इस कुंडली में षष्ठेश हैं यानी छठे घर के मालिक। जब भी सूर्य की दशा अंतर दशा चलेगी छोटे भाई बहन से कलेश रहने वाला है, मनमुटाव उनसे बनेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, फजूल की मेहनत होगी, उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी नित नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके सूर्य देवता जातक का जीवन यापन मुश्किलों से ही भरते मिलेंगे। यहाँ से सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से भी मनमुटाव होने का योग बनता है। जातक बहुत सारे केसेस में धर्म को मानना तक छोड़ देता है, वो ये कह के छोड़ देता है कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं भी परमात्मा के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं भी उसकी पूजा उपासना में नहीं जाऊँगा। ऐसा बिहेवियर भी अक्सर देखा गया है क्योंकि सूरज एक मारक ग्रह माना जाता है। बात करते हैं दर्शकों बुध देव की। बुध देव जो के चौथे और सातवें घर का मालिक है, इस लग्न कुंडली में बुध देव को केंद्राधिपति दोष लगता है और बुध की दशा अंतर दशा में डेली वेजेस में नुकसान होता है, पार्टनरशिप में नुकसान होता है, दाम्पत्य सुख में कला कलेश मचता है और सबसे बड़ी बात माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाओं संबंधी भी जातक को परेशानियां अवश्य आती हैं क्योंकि बुध देवता भी केंद्राधिपति दोष में आकर इस कुंडली में मारक ग्रह बन चुका है। वो टोटली रिजल्ट अपनी दशा अंतर दशा में नेगेटिव ही देगा। दर्शकों बात करते हैं केतु देवता की जो कि नीच के तीसरे घर में विराजमान है, अपनी दशा अंतर दशा में छोटे भाई बहन से कला कलेश मचवाएंगे, फजूल की मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ होगी, विदेश यात्रा तक हो सकती है लेकिन उसका रिजल्ट प्रॉपर कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ से केतु देवता ने सातवें भाव पर दृष्टि डाली तो दाम्पत्य सुख डेली वेजेस में पार्टनरशिप में नुकसान होगा। यहाँ से केतु देवता ने नवम भाव पर जो दृष्टि डाली तो जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता, जातक की डेली वेजेस में प्रॉब्लम आती हैं, जातक का पिता से मनमुटाव बना रहता है। यहाँ से केतु देवता ने जितनी दृष्टि नौवीं ग्यारहवें भाव पर डाली तो केतु देवता की दशा अंतर दशा में बड़े भाई बहन से नहीं बनती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से लगी ही रहती हैं। तो केतु देवता इस लग्न कुंडली में अपनी दशा अंतर दशा में सदैव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। दर्शकों बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो कि इस लग्न कुंडली में मीन लग्न की तीसरे और आठवें भाव के मालिक हैं, ये उठ करके चौथे भाव में बैठ गए। चौथे भाव में बैठने से इनका मार्केट तो कायम रहा, अपनी दशा अंतर दशा में माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाएं सबसे मनमुटाव सबसे क्लेश सबसे दिक्कत परेशानियां देंगे और यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज का बंटाधार करने के लिए भी शुक्रदेव अकेले ही काफ़ी हैं। और चौथे भाव में शुक्रदेव को दिशा बल मिला लेकिन एक मारक ग्रह को दिशा बल मिलना सदैव उसके मार्केट में बढ़ोतरी करता है और जातक के जीवन यापन में नेगेटिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा करके अपनी दशा अंतर दशा में उसका जीवन यापन मुश्किलों से भर देते हैं क्योंकि शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों बात करते हैं शनि देव की, वो भी चौथे भाव में ही विराजमान है। चौथे भाव में विराजमान होने से शनि देव की दशा अंतर दशा में जातक विदेश जरूर जा सकता है, माता से मनमुटाव बना रहेगा, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आएंगी, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो शनि देव की दशा अंतर दशा में जल्दी वो कभी नहीं बनने वाला। शनिदेव ने यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन बढ़ा करके जातक के लिए नित नवी मुश्किलें खड़ी करते ही मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की कामकाज का बंटाधार करने के लिए अकेली ही काफ़ी है। शनिदेव नित नवी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कामकाज में सदैव जातक को खड़ी करते ही मिलेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि लग्न पर पड़ी तो लगन पर पड़ने से छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना वो जातक को कहीं ना कहीं से लगाई ही रखते हैं। शनिदेव की दशा अंतरदशा मारक होने की वजह से इस लग्न कुंडली में सदैव नेगेटिव रिजल्ट देती है और जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देती है। दर्शकों बात करते हैं चंद्रमा देवता की जो कि पंचम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव में पड़े हैं,
तो इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो पार्टनरशिप में एडवांटेज दिलाएंगे, डेली वेजेस में एडवांटेज दिलाएंगे और दाम्पत्य सुख भी अच्छा करके जीवन यापन आसान जरूर कर देंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो एक प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी बना करके जातक को एक सूझवान पर्सनैलिटी बना देंगे। जातक हर काम बहुत सोचने समझने के बाद करेगा, हर डिसीजन लेने से पहले उसके नेगेटिव फैक्टर भी सोचेगा, पॉजिटिव फैक्टर भी सोचेगा, क्योंकि चंद्रमा बुद्धि का डिपार्टमेंट लेकर के बैठे हैं। उसका लगन पर दृष्टि डालना सदैव जातक को एडवांटेज देता ही मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता नौवें भाव में पड़े हैं, आठवीं राशि के नीच के, जैसा कि आजकल गोचर में भी आप सबको पता है चल रहे हैं। नीच के पड़े हुए राहु देवता सदैव अपनी दशा अंतरदशा में जातक का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि एक तो मारक ग्रह बन गया है, ऊपर से नीच का हो गया है, तो जातक के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। राहु देवता नीच के अगर नौवें भाव में पड़े हों तो जातक धर्म को जल्दी कभी नहीं मानने वाला होगा, पिता से छोटी छोटी बात पर मनमुटाव बना ही रहेगा, विदेश यात्रा करेगा तो वहाँ भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो वैसे का वैसा ही वापस आ जाएगा, उसे दिक्कत परेशानियाँ कहीं ना कहीं से खड़ी ही मिलेंगी। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियाँ, पर्सनैलिटी में अच्छी रौबदार पर्सनैलिटी नहीं बना पाएगा, समझदारी वाली बातें करना भी चाहेगा तो मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता। यहाँ से राहु देवता ने मेहनत पर दृष्टि डाली तो फजूल की मेहनत, फजूल की भागदौड़ और छोटे भाई बहन से कलह कलेश मचा ही रखेंगे और जातक को मेहनत का पूर्णतः रिजल्ट कभी मिलने वाला ही नहीं होता। राहु देवता ने नवम दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव पर डाली हुई माइंड को अग्रेसिव कर देगी, पेशेंस कम कर देगी, अनसर्टेन लॉस दे सकती है। जातक की औलाद को भी प्रॉब्लम होती है, जातक को औलाद से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जातक कभी भी अपनी ज़िंदगी में पूर्णतः स्टेबल कभी हो ही नहीं पाता। सारी राहू की दशा अंतरदशा में वो ज़्यादा भाग दौड़ करता रह जाता है और कभी कभार फ्रस्ट्रेट होकर के गॉड को मानना तक छोड़ देता है कि मैं इतनी पाठ पूजन करने के बावजूद अगर तरक्की नहीं कर पा रहा हूं तो गॉड इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह अक्सर देखा गया है, क्योंकि नवम भाव आपका धर्म को मानने का भी होता है, आपकी परमात्मा में कितनी आस्था आप रखते हैं इस बात का भी होता है। तो राहु की दशा अंतरदशा सदैव इसमें प्रॉब्लम्स ही देती है। राहु की जितनी नवम दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ी तो स्टमक में भी प्रॉब्लम आने का योग बनता है, लवर मास में नाकामयाबी का योग बनता है और सबसे बड़ी बात, लवर मास में नाकामयाबी के साथ अनसर्टेन लॉस के साथ जातक का मेंटल बैलेंस भी पूर्णतः बिगड़ जाता है। वो हर बात पे इरिटेट होकर अपने ही ढंग से सोचना शुरू कर देता है जो सामने वाले कतई उसके लिए पसंद नहीं करते। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में याद रखिएगा योग कारक हैं जो रिजल्ट्स देने के काबिल बनेंगे। मंगल देवता डिग्री वाइज जितने अंश के होंगे उतने परसेंट अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल की दशा अंतरदशा सदैव पॉजिटिव होगी, बृहस्पति की दशा अंतरदशा सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देगी और चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा भी सदैव जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देती ही मिलेगी। और ये तीनों रत्न, क्योंकि अच्छी जगह प्लेसमेंट में है, केंद्र में है, और ये तीनों रत्न इस लगन कुंडली में धारण किए जा सकते हैं। वो त्रिशक्ति के रूप में कदापि धारण मत कीजिएगा, किसी विद्वान की सलाह लीजिएगा, प्रॉपर उंगलियों में सही ढंग से धारण कीजिए ताकि आपका जीवन यापन आसान करने में आपके पहने हुए रत्न आपको अच्छा लाभ दे सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.